गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 6, फन विद गिव एंड टेक. इन दिस चैप्टर वी हैव डन बिफोर फ्यू एडिशन सम्स एंड सबट्रैक्शन सम्स ऑफ 3-डिजिट नंबर्स. नाउ इन दिस सेकेंड पार्ट आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ योर वर्क बुक पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 6. हियर फ्यू आइटम्स आर बीन गिवन एंड देयर प्राइस इज ऑल्सो बीन given, as you can see. On basis of this, we are going to answer some questions as given below. A. What is the cost of 3 kg sugar and a soap? हमारे पास cost of 1 kg sugar यहाँ ऊपर दिया है, that is ₹24 per kg. It is written over there. तो और हमने खरीदी है 3 kg. तो 3 kg का कॉस्ट क्या है? तो 1 kg इज ₹24, 3 kg हाउ मच? सो कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज ₹24. शुगर टेकन दैट इज 3 kg, क्वांटिटी जो हमने खरीदी वो. नाउ विल मल्टीप्लाई 24 बाय 3 एज आई हैव डन ओवर हियर. नाउ द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर व्हाट आई फाउंड इज ₹72. और इसके साथ मैंने क्या ख़रीदा था? अ सोप. एक सोप जो होता है एक पीस का, उसका कॉस्ट है ₹20. सो दैट ऑल्सो विथ ₹72. एंड द टोटल कॉस्ट व्हाट आई पेड ओवर हियर इज ₹92. ये हमारा आंसर था ए पार्ट का. नाउ बी पार्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 pieces ऑफ सोप? तो हमें पता है कि एक पीस यानी एक साबुन की टिकिया का कॉस्ट ₹20 है. तो 5 का कितना होगा? अगर 5 ऐसी ली है तो कितना? तो वी विल मल्टीप्लाई, 1 = 20, एक का भाव है ₹20. तो 5 का हाउ मच? सो कॉस्ट ऑफ अ सोप इज ₹20, नंबर ऑफ सोप 5, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 सोप दैट वी हैव फाउंड इज ओवर हियर दैट इज ₹100. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सी पार्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑयल एंड 1 kg राइस? यहाँ हमने 2 kg ऑयल और 1 kg राइस ख़रीदा है. तो टोटल कॉस्ट इस क्वेश्चन में हमने कितना पे किया होगा ये ढूंढना है. द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑयल इज़ ₹75 जो हमें टेबल के अंदर दिया गया है, और हमने 2 kg ख़रीदा है तो उसका कॉस्ट कितना होगा? तो 75 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड that we are getting answer is ₹150. अभी इसके साथ हमने 1 kg राइस भी ख़रीदा है और उसका कॉस्ट है ₹18. तो दैट विल एड विथ 150 ओवर हियर. तो 150 प्लस 18 टोटल कॉस्ट वी पेड इज ₹168. नाउ विल गो टू पार्ट डी, what is the cost of 2 kg potato? The cost of 1 kg potato is ₹12. And what is the quantity we have purchased? 2 kg. 12 multiplied by 2. So here the total cost we are paying for 2 kg potato is ₹24. So this is how I suppose you have understood this sum. Now we'll go to the next one. Pattern finding next 3 steps. यहाँ आपको number pattern complete करना है. और ये कैसे होगी? तो we'll start with the first A वाला. यहाँ हमारे पास सब में अलग अलग pattern है, तो उसके next 3 answers कैसे मिलेंगे ये हम देखने वाले हैं. तो first one is 8, 6. तो 8 तो बड़ा है और 6 छोटा नंबर है, फिर वापस 13, तो 13 एक बड़ा नंबर है. तो ये कुछ zigzag जा रहा है, कैसे मिलेगा हमें इसका आंसर? तो पहले हम लोग 8 में से 6 माइनस करेंगे. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी आर गेटिंग द आंसर इज -2. तो 8 में से -2 किया होगा तभी हमको नेक्स्ट नंबर 6 मिला है. अभी 13 में से हम 6 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है प्लस
प्लस प्लस सेवन नहीं पर सेवन, तो इसका मतलब ये है कि सिक्स प्लस सेवन किया होगा तभी हमें नेक्स्ट नंबर 13 मिला है। तो वापस 11 दैट इज़ लेस और स्मॉल नंबर देन 13, तो इसका मतलब ये यहाँ माइनस टू है। तो इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए ये देखना है कि एक बार हमें नंबर के साथ माइनस टू करना है, फिर नेक्स्ट नंबर के साथ प्लस सेवन करना है, फिर वापस माइनस टू प्लस सेवन, माइनस टू प्लस सेवन विद द अबव नंबर। तो लास्ट वाले 18 नंबर पे आता है माइनस टू, तो अगर 18 में से माइनस टू करेंगे तो वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर इज 16, और 16 के साथ हमने प्लस सेवन किया तो वी गॉट आंसर 23, और 23 में से वापस माइनस टू, वी आर गेटिंग आंसर इज 21। तो इस तरह से हमने ए वाली नंबर पैटर्न कंप्लीट की। नाउ विल गो ऑन टू द बी, तो इसमें क्या है, तो 2 में से माइनस 1 किया तो 1 मिला हमें यहाँ, ओके द फर्स्ट वन, सो 1 प्लस 1 द नेक्स्ट नंबर इज 2, तो यहाँ 4 है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 प्लस 2 इज 4, यानी हर बार एक एक नंबर बढ़ता जाता है ऐड करने के नंबर के साथ। तो नेक्स्ट नंबर इज 7, यानी 4 में से जब हमने 2 माइनस किया तो 2 रहा और वापस 1 ऐड किया उसके अंदर तो 3 आ गया, तो 4 प्लस 3 वी आर गेटिंग 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22। तो हमने हर बार उसके आगे जो माइनस करने के बाद जो आता है डिफरेंस, उसमें एक एक नंबर ऐड भी करते गए, उससे क्या हुआ कि हमें नेक्स्ट नंबर मिलता गया। तो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द बी पार्ट ऑफ द पैटर्न। नाउ द सी, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वन, एडिंग विद द बिफोर नंबर, यानी अगर 2 है यहाँ, 1 और 2 दिया है तो 2 में से माइनस 1 करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3, तो ऐसे करके एक एक नंबर आगे के नंबर के अंदर हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो 2 के साथ ऐड किया 3 को तो हमें 5 मिला, 5 को ऐड किया 3 के साथ तो नेक्स्ट 8 नंबर मिला, 8 को 5 के साथ ऐड किया 13 मिला, 13 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो यू वी आर गेटिंग 21, 21 विल ऐड विद 13 तो 34, 34 के साथ हमने 21 को ऐड किया तो लास्ट नंबर वी आर गेटिंग इज 55। तो हियर इन दिस पैटर्न सी वी आर एडिंग विद द बिफोर नंबर, ओके चिल्ड्रन। नाउ डी पार्ट, इसमें कैसे है, तो 5, 3 और 5, 9, 15 ये नंबर दिए गए हैं तो पहले हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 2 का, राइट चिल्ड्रन। तो इसका मतलब ये है कि 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 मिला, अभी 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 9 दिया गया है तो 9 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिला है 4 का, इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस 4 वी आर गेटिंग 9, अभी 9 के बाद है 15, तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हियर वी आर गेटिंग 6। तो इसका, इस पैटर्न का क्या मतलब होता है कि जब भी हम माइनस करते हैं और जो डिफरेंस का जो नंबर मिलता है माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसमें हम प्लस 2 करते जाते हैं, दो दो नंबर से बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे हमने 15 में से 9 माइनस किया तो 6 मिला, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 के साथ 6 को ऐड किया गया तभी 15 मिला है, अभी 15 के साथ हमें कौन सा नंबर ऐड करना है तो 6 प्लस 2 कर देंगे क्योंकि दो दो नंबर से ये इंक्रीज़ हो रही है पैटर्न में, तो 15 प्लस 8 दैट इज़ 23, 23 को वापस 8 तो ऐड नहीं कर सकते, 8 में वापस 2 को ऐड करना है तो 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 12 45,
यानी हम दो दो नंबर से नेक्स्ट नंबर में ऐड ऑन करते जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू ई. यहाँ क्या हो रहा है कि 2, 4, 8, 16, ये आपको देख के क्या लग रहा है कि जैसे कोई टेबल्स है ना डबल का, ऐसा ही चल रहा है. अगर 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो यानी 2 + 2 = 4, फिर 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 16 = 32, 32 + 32 = 64, 64 + 64 = 120. लास्ट वाले में डबल द नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, यानी हमें जो भी नंबर नेक्स्ट वाला मिल रहा है उसको डबल कर दो तो उसके बाद का नंबर मिलेगा. वैसे ही ये नंबर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नंबर पैटर्न. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन.